हेलो एवरीवन, नमस्कार एंड वेलकम टू द लेक्चर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। लास्ट क्लास में हमने थर्मल स्ट्रेस शुरू करके उसका कॉन्सेप्ट समझा था और कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स अटेम किए थे। आज के सेशन में भी हम तीन इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम अटेम करेंगे और ये प्रॉब्लम कभी ना कभी गेट में पूछे जा चुके हैं, कॉन्सेप्ट वाइज भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और इस तरह के कॉन्सेप्ट को या इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में हम जो एनालॉजी लगा रहे हैं उस एनालॉजी के बेस्ड पे आप अगर और कोई नया प्रॉब्लम भी आता है तो उसको डेफिनेटली अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट प्रॉब्लम। ये एक बार है जिसको एक एंड से हमने फिक्स किया हुआ है, इसका लेंथ, क्रॉस सेक्शन एरिया, इलास्टिक कांस्टेंट एंड थर्मल एक्सपांशन कोफिशिएंट गिवन है। और दूसरे एंड पे जो फ्री एंड था वहां पर हमने एक स्प्रिंग कनेक्ट किया है जिसका स्टिफनेस के है। प्रेजेंट स्टेटस में ये जो स्प्रिंग है ये फ्री है, इसमें कोई भी कॉम्प्रेशन नहीं है। और आपसे पूछा है कि बार में अगर इसका टेम्परेचर हम इंक्रीज करेंगे तो बार में थर्मल स्ट्रेस कितना जनरेट होगा, स्प्रिंग में कॉम्प्रेशन कितना होगा और टोटल वर्क डन कितना होगा। इन तीनों में से कुछ भी पूछा जा सकता है आपसे। तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। अगर बार का टेम्परेचर हम डेल्टी डिग्री सेल्सियस से बढ़ाते हैं और सपोज करिए यहाँ पर स्प्रिंग नहीं होती तो ये बार पूरा फ्री एक्सपांशन करती, और उस फ्री एक्सपांशन को मैं लिख सकता था कि वो होता एल अल्फा डेल्टा टी, बिकॉज वी नो दैट द चेंज इन लेंथ बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर चेंज इज व्हाट, एल अल्फा डेल्टा टी। लेकिन दूसरे एंड पे स्प्रिंग होने की वजह से स्प्रिंग इस पे कुछ फोर्स अप्लाई करेगी और उस फोर्स की वजह से क्या होगा, इसमें कुछ कॉम्प्रेशन हो जाएगा। सो फाइनली जब आपका सिस्टम टेम्परेचर बढ़ाने के बाद फिर से जब इक्विलिब्रियम में आएगा तो मान लीजिए बार का कुछ इतना फ्री एक्सपांशन बचेगा और इतना पोर्शन कॉम्प्रेस हो जाएगा वापस, और यही पोजीशन स्प्रिंग की रह जाएगी फाइनली। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, आफ्टर द टेम्परेचर चेंज स्प्रिंग में इतना कॉम्प्रेशन हो गया क्योंकि पहले स्प्रिंग यहां कनेक्टेड थी। तो ये जो लेंथ है अगर मैं इसको एक्स से डिनोट करता हूं तो ये एक्स जो है ये स्प्रिंग का कॉम्प्रेशन है, और ये वाली जो लेंथ है ये लेंथ कितनी होगी, तो ये जो टोटल फ्री एक्सपांशन था डेल एल माइनस एक्स में करता हूं तो ये मेरा कॉम्प्रेशन हो गया बिकॉज ऑफ द स्प्रिंग फोर्स। और ये स्प्रिंग फोर्स कितना है, तो ये स्प्रिंग फोर्स को मैं के एक्स से लिख सकता हूँ। प्लीज अंडरस्टैंड, अगर स्प्रिंग नहीं होती तो बार इतना एक्सपांड करता, स्प्रिंग थी तो स्प्रिंग साथ साथ कॉम्प्रेस होती गई और इक्वल एक अपोजिट फोर्स उसने बार पर लगाया, उस फोर्स की वजह से बार का फुल्ली फ्री एक्सपांशन नहीं हो पाया और कोई इंटरमीडिएट पोजिशन पे एक इक्विलिब्रियम कंडीशन आई। उस कंडीशन में जितना फोर्स बार स्प्रिंग पे लगा रही है स्प्रिंग भी बार पर उतना ही फोर्स लगा रही है, दिस इज वन कंडीशन। सेकेंड, बार में अब स्ट्रेस कितना जनरेट हुआ, तो बार को हमने वापस से जो उसका कॉन्ट्रेक्शन किया वो इस स्प्रिंग फोर्स की वजह से डेल एल माइनस एक्स हुआ एंड दिस कॉम्प्रेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्ट्रेस। तो अगर मैं बार के लिए स्ट्रेन का फॉर्मूला लिखता हूं तो माय स्ट्रेन इन द बार विल बिकम व्हाट, डेल एल माइनस एक्स डिवाइडेड बाय एल, और डेल एल कितना है मेरा, तो डेल एल है एल अल्फा डेल्टा टी माइनस एक्स डिवाइडेड बाय एल। स्ट्रेस कितना होगा, तो स्ट्रेस हो जाएगा इलास्टिक कांस्टेंट मल्टीप्लाइड दी स्ट्रेन। और अगर मैं एक्स की वैल्यू को कैलकुलेट करना चाहूं तो एक्स कितना होगा, एक्स होगा आपका फ्री एक्सपांशन माइनस दिस ये जो लोड की वजह से वापस से कॉम्प्रेशन हो गया। सो आई कैन राइट दैट दिस एक्स विल बी एल अल्फा डेल्टा टी, दिस इज फ्री एक्सपांशन माइनस कॉम्प्रेशन बिकॉज ऑफ द लोड पी। तो इसको हम लिख सकते हैं पी एल बाय ए ई, और P को आप फर्दर हम क्या लिख सकते हैं, P आपका है Kx है। तो अगर मैं यहाँ P की वैल्यू Kx पुट करके रीअरेंज करता हूं तो X का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, L अल्फा डेल्टा T डिवाइडेड बाय 1 प्लस KL डिवाइडेड बाय AE। सो प्लीज रिमेंबर दिस फॉर्मूला, हमने क्या किया, P को Kx रखा, इसको लेफ्ट साइड में ले गए, रीअरेंज करा, सो फाइनली हमारे पास जो स्प्रिंग का कॉम्प्रेशन था वो निकल के आया और दिस इज द फॉर्मूला फॉर द कॉम्प्रेशन इन द स्प्रिंग। एंड आई रिक्वेस्ट कि आप इसको थोड़ा याद ही रखो। सेकंड, अगर आपको वर्क डन कैलकुलेट करना है तो वर्क डन कितना होगा, वर्क डन मतलब स्प्रिंग का जितना कॉम्प्रेशन हुआ है उसकी वजह से स्प्रिंग में जितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई है वही आपका वर्क डन है। तो वर्क डन आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं जहां एक्स की ये वैल्यू होगी। अगर आपको स्ट्रेस निकालना है तो स्ट्रेस आपका कितना रहेगा, स्ट्रेस आपका इस फॉर्मूले से आप स्ट्रेन कैलकुलेट करो और E से मल्टीप्लाई करो, या जब आप इस फॉर्मूले को सॉल्व करेंगे, X एक बार कैलकुलेट कर लिया आपने, X के बाद आपका K X से P निकल गया, सो यू कैन सिंपली राइट दैट द P बाय क्रॉस सेक्शन एरिया और K X बाय क्रॉस सेक्शन एरिया इज योर स्ट्रेस एंड डेल इज नथिंग बट योर X हियर। सो इन दिस वे
हम लोगों को तीनों अननोन वैल्यू जो स्ट्रेस डिफ्लेक्शन और वर्क डन था मिल जाएगा। लेट्स सी द नेक्स्ट प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम में आपके पास दो डिफरेंट मटेरियल की बार है, लेंथ भी दोनों की अलग है, क्रॉस सेक्शन एरिया, इलास्टिक कॉन्स्टेंट सब कुछ अलग है, लेकिन दोनों बार को आपने साइड बाय साइड एक गैप के साथ प्लेस कर दिया। अब अगर इस सिस्टम का आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो बार में कितना स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा, दिस इज योर क्वेश्चन। दैट मींस यू हैव टू फाइंड द थर्मल स्ट्रेसेस जनरेटेड इन बोथ द बार्स। कैसे निकालें? तो सबसे पहले तो हमें यह समझ में आना चाहिए कि अगर मैं एक डेल्टी टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा हूं, जिसकी वैल्यू क्वेश्चन में कुछ भी हो सकती है, फॉर एग्जाम्पल इस क्वेश्चन में आपको दिया है कि आपको 40 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर को इंक्रीज करना है। जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो दो केस होते हैं। एक केस, दोनों का एक्सपांशन इतना नहीं है कि गैप को फिल कर पाए, उस कंडीशन में कुछ भी स्ट्रेस डेवलप नहीं होगा। सो फर्स्ट लेट्स कैलकुलेट कि पहली बार का चेंज इन लेंथ कितना होगा, तो एल वन अल्फा वन डेल्टा टी। दूसरी बार का एक्सपांशन है एल टू अल्फा टू डेल्टा टी। अगर इन दोनों का सम इस गैप से छोटा है तो क्या होगा, कोई स्ट्रेस जनरेट नहीं होगा। दैट मीन्स आई कैन से दैट डेल एल वन प्लस डेल एल टू इफ दिस इज लेस देन डेल, तो आपके सिस्टम में कोई स्ट्रेस जनरेट नहीं होगा, सिर्फ स्ट्रेन एग्जिस्ट करेगा। लेकिन अगर डेल एल वन प्लस डेल एल टू इज ग्रेटर देन द गैप, उस केस में ये वाली बार इस वाली बार पे एक फोर्स लगाएगी इस डायरेक्शन में और ये वाली बार इस डायरेक्शन में, मतलब दोनों बार एक दूसरे को कॉम्प्रेस करने की कोशिश करेगी। तो पहला इंपॉर्टेंट चीज जो याद रखना है वो तो ये होगा कि अगर ये कंडीशन है तो बोथ बार्स आर गोइंग टू एक्सपीरियंस कॉम्प्रेसिव फोर्स, बोथ बार्स हैव कॉम्प्रेसिव फोर्स। अब वो फोर्स कितना होगा वही निकालना है, तो सपोज करो वो फोर्स पी होगा। अच्छा, दूसरी चीज, दोनों एक दूसरे पे इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ही लगाने वाली है, तो पहली बार और दूसरी बार में जो नेट फोर्स होगा वो पी ही रहेगा। तो पहले तो समझते हैं कि एक्चुअली हो क्या रहा होगा सिस्टम में। ये आपकी पहली बार है और लेट्स ये आपका दूसरा बार है। अब जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो सपोज करिए कि दिस इज योर गैप और इसका एक्सपांशन इतना हुआ, दिस इज फ्री एक्सपांशन, तो इसको मैं लिख सकता हूं कि ये है मेरा डेल एल वन और कितना है ये एल अल्फा वन डेल्टा टी से मैं डिनोट कर रहा हूं इसको। सिमिलरली इस बार का एक्सपांशन आप मान लो इतना होता। अब गैप तो लिमिटेड है, तो ये वाली बार टॉप वाली बार पे कुछ कॉम्प्रेसिव फोर्स लगाती और टॉप वाली बार बॉटम वाली बार पे कुछ कॉम्प्रेसिव फोर्स लगाती और उस फोर्स का मैग्नीट्यूड दोनों केस में इक्वल एंड अपोजिट होता। और ये इसका जो फ्री एक्सपांशन है, इस फ्री एक्सपांशन को यहां पर मैं लिख सकता हूं कि दिस इज व्हाट, दिस इज योर अगेन डेल एल टू विच इज एल टू अल्फा टू डेल्टा टी। होगा क्या, अब दोनों बार एक दूसरे पर एक कॉम्प्रेसिव फोर्स लगा रही है तो दोनों की लेंथ में जो फ्री एक्सपांशन की लेंथ है उससे कम होगा, मतलब ये वाली बार कुछ कॉम्प्रेस करके अंदर जाएगी और ये वाली बार में भी कुछ कॉम्प्रेशन होगा और फाइनली मान लीजिए कि दोनों ने कॉम्प्रोमाइज पोजिशन ले ली और दिस इज द कॉम्प्रोमाइज पोजिशन। तो अल्टीमेटली आपका पूरा गैप फिल हुआ, पहले वाली बार में जो नेट चेंज इन लेंथ था वो इतना है, ये फ्री एक्सपांशन माइनस कॉम्प्रेशन। दूसरे वाली बार का जो फाइनल चेंज इन लेंथ हुआ वो इतना है, सपोज करो ये x1 है और ये x2 है, तो x1 कितना है, x1 होगा l1 अल्फा 1 डेल्टा t, ये आपका फ्री एक्सपांशन था माइनस कॉम्प्रेशन। कॉम्प्रेशन किसकी वजह से हुआ, p लोड की वजह से हुआ, तो ये हो गया। x2 कितना होगा, x2 भी एग्जैक्टली सेम ही हुआ, उसका फ्री एक्सपांशन था l2 अल्फा 2 डेल्टा t, लेकिन इस फोर्स की वजह से उसमें कुछ कॉम्प्रेशन हो गया, तो p l2 a e 2। ये दोनों x1 और x2 मिलके क्या कर रहे हैं, x1 और x2 एक्चुअली इस गैप को फिल कर रहे हैं। तो अगर आपको 2 mm का गैप गिवन है तो आप लिख सकते हो कि 2 mm इज गोइंग टू बी फिल बाय द x1 प्लस x2। तो ये आपकी मेन इक्वेशन है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। अल्टीमेटली यू विल गेट दैट द डेल इज व्हाट, डेल हो जाएगा आपका एल वन अल्फा वन डेल्टा टी माइनस पी एल वन डिवाइडेड बाय ए वन ई वन प्लस एल टू अल्फा टू डेल्टा टी माइनस पी एल टू ए टू ई टू। सो प्लीज रिमेंबर दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन से आपका पी जो अननोन है वो निकल जाएगा। और एक बार अगर आपका पी कैलकुलेट हो गया तो आपको अगर स्ट्रेस कैलकुलेट करना है तो स्ट्रेस क्या होगा, सिंपली इसका क्रॉस सेक्शन एरिया, मतलब इसमें स्ट्रेस जो होगा वो होगा P बाय ए वन और इसका स्ट्रेस होगा P बाय ए टू। सो प्लीज अंडरस्टैंड हमने क्या किया, हमने देखा कि एक तो हो सकता है कि लेंथ का एक्सपांशन इतना नहीं है कि ये गैप को फिल कर रहा हो तब तो कोई स्ट्रेस जनरेट ही नहीं होगा, लेकिन अगर ये ज्यादा है
तो दोनों बार एक दूसरे पे कॉम्प्रेसिव फोर्स लगाएगी। प्लीज रिमेम्बर, दोनों बार इस केस में कॉम्प्रेसिव फोर्स एक्सपीरियंस कर रही है, तो जो स्ट्रेस होगा वो कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस होगा। और फाइनल फॉर्मूला आपका गैप फिल करने का क्या है, तो दिस इज द फॉर्मूला वेयर जो नेट चेंज इन लेंथ इन द फर्स्ट बार प्लस नेट चेंज इन लेंथ इन द सेकेंड बार है, उन दोनों का सम इस गैप के बराबर होगा। नाउ फाइनली सी द आवर लास्ट प्रॉब्लम विच इज प्रॉब्लम ऑफ योर टेपर बार। टेपर बार के केस में एक एजम्पशन हमारा है कि यहां भी हमारा जो एक्सपांशन है वो एक्सपांशन हमने 1D ही लिया है, मतलब टेपर बार में अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा तो इसका भी जो चेंज इन लेंथ का फॉर्मूला होगा वो एल अल्फा डेल्टा टी ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि इस तरफ का एरिया और इस तरफ का एरिया अलग है तो मैं ये वाला फॉर्मूला यूज नहीं करूंगा, ये फॉर्मूला इसमें भी वैलिड है। तो पहली इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखना है कि अवर फर्स्ट एजम्पशन इज दैट कि हम वन डायमेंशनल एक्सपांशन की बात कर रहे हैं, तो टेपर बार में भी चेंज इन लेंथ का फॉर्मूला एल अल्फा डेल्टी ही रहेगा। लेकिन इसमें स्ट्रेस कैसे जनरेट होंगे, और उसको समझने के लिए पहले आप है ना एक सिंपल केस समझिए कि अगर मान लीजिए आपके पास एक टेपर्ड बार है और उस पर आप एक पी फोर्स अप्लाई कर रहे हो, तो उस केस में इसका चेंज इन लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है। आई एम नॉट डिराइविंग दैट फॉर्मूला हियर, वो बहुत स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, टेक्स्ट बुक में गिवन होता है। और उसका फॉर्मूला होता है कि अगर टेपर्ड बार में आपको चेंज इन लेंथ निकालना है तो वो होता है पी एल, ये लेंथ आपका एल है, ए बट ए एक ए मीन एरिया होता है एंड ई, और ये ए मीन क्या होता है तो ये आपका ज्योमेट्रिक मीन होता है डी वन और डी टू का, मतलब आपका ये ए होगा पाई बाय फोर डी वन डी टू। तो यहां अगर मैं एक डी मीन निकालूंगा तो ये डी मीन ज्योमेट्रिक मीन होता है एंड वी कॉल इट डी वन डी टू। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट इसका कंक्लूजन है कि ए मीन विल बी अंडर रूट ए वन एंड ए टू एंड दिस इज योर ज्योमेट्रिक मीन। तो इस फॉर्मूले में जब मैं ये ए मीन पुट करता हूं तो मेरा चेंज इन लेंथ निकल के आ जाता है। सिमिलरली जब मैं थर्मल स्ट्रेस के केस में बात कर रहा हूं तो यहां भी मेरा स्ट्रेन कितना होगा, मेरा स्ट्रेन हो जाएगा डेल एल बाय एल, वो होगा अल्फा डेल्टा टी। स्ट्रेस कितना हो जाएगा, तो स्ट्रेस हो जाएगा E इंटू स्ट्रेस, E इलास्टिक कॉन्स्टेंट है, यंग्स मॉडुलस, तो मेरा फॉर्मूला बन गया E अल्फा डेल्टा टी। और अगर मैं इस पे लोड कैलकुलेट करूं तो लोड निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, मीन एरिया से मल्टीप्लाई करूंगा, तो माय थर्मल लोड विल बिकम व्हाट, ए मीन E अल्फा डेल्टा टी। ये आपको याद रखना है इसमें कि अगर टेपर्ड बार का टेम्परेचर आपने इंक्रीज करा तो उस केस में आपका लोड कितना रहता है। और एक बार अगर आपको लोड पता चल गया तो आपसे पूछ सकते हैं कि स्ट्रेस निकालो, स्ट्रेस कहाँ ज्यादा होगा, लोडिंग थ्रू आउट दी लेंथ कांस्टेंट रहेगी बेस्ड ऑन दिस मीन एरिया, लेकिन स्ट्रेस यहां पर ज्यादा होगा क्योंकि यहाँ का एरिया कम है, तो जो लो स्मॉल साइज वाला एंड है उस पर मैक्सिमम स्ट्रेस लगेगा और जो लार्जर साइड वाला एंड है उस पर मिनिमम स्ट्रेस लगेगा। और उसका फॉर्मूला क्या होगा, तो मैक्सिमम स्ट्रेस आपका हो जाएगा द लोड डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शन एरिया, और अगर सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है तो आई विल राइट पाई बाय फोर डी वन स्क्वायर। जब ये वैल्यू आप इसमें करोगे और ए मीन को आप लिख दोगे पाई बाय फोर डी वन डी टू, तो आपका फाइनल फॉर्मूला आ जाएगा ई अल्फा डेल्टा टी डी टू बाय डी वन। सो दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर्मूला एंड यू हैव टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला। सिमिलरली अगर आपको मिनिमम स्ट्रेस कैलकुलेट करना है तो मिनिमम के केस में आप यहां पर डी टू वाले एरिया से डिवाइड करोगे तो आपका फॉर्मूला हो जाएगा ई अल्फा डेल्टा टी डी वन बाई डी टू। तो ये आपका मिनिमम स्ट्रेस का फॉर्मूला है, ये मैक्सिमम स्ट्रेस का फॉर्मूला है। और इसमें आप देखो कि ये फैक्टर क्या है, ये फैक्टर आपका एक्चुअली ये जो मीन वैल्यू थी इसको कुछ बढ़ा रहा है क्योंकि डी टू बाई डी वन इज ग्रेटर देन वन, और यहां पर ये वाला फैक्टर इसको कम कर रहा है क्योंकि डी वन बाई डी टू इज लेस देन वन। सो प्लीज रिमेंबर दीज टू फॉर्मूला एंड दिस इज ऑल अबाउट दी टेपर्ड बार। इससे ज्यादा टेपर्ड बार में कुछ नहीं पूछा जाता है, या तो नॉर्मल लोडिंग होती है तो हमसे पूछ लेते हैं कि उसका फॉर्मूला बताओ, और वो ज्योमेट्रिक मीन होता है, टेम्परेचर इंक्रीज करते वक्त उसमें मैक्सिमम और मिनिमम स्ट्रेस का फॉर्मूला इस दो फॉर्मूले से रिप्रेजेंट होता है। तो दिस इज ऑल अबाउट थर्मल स्ट्रेसेस। हमने लगभग 6-7 प्रॉब्लम्स अटेम्प्ट किए हैं, जितनी वेराइटी हो सकती थी सारी कवर की है। नाउ आई रिक्वेस्ट यू, आप कोई भी टेक्स्ट बुक खोलो और उसमें थर्मल स्ट्रेस के अलग अलग प्रॉब्लम सॉल्व करो। फिलोसफी इन्हीं क्वेश्चन से मिलती जुलती होगी, लेकिन देर आर मल्टीपल प्रॉब्लम्स, आप बहुत सारे प्रॉब्लम लगाओगे तो प्रैक्टिस होगा एंड यू विल बी मोर कॉन्फिडेंट। सो विद दिस आई एम क्लोजिंग दिस सेशन, थैंक यू।